बैंगलोर के 2 स्टार प्लेयर्स और चेन्नई के 3 स्टार प्लेयर्स ये मैच नहीं खेलने वाले हैं। कौन है ये लोग? विराट कोहली की पहली ट्रॉफी या MS धोनी का आखिरी मैच? ऐसा मत करो मेरी जान। बैंगलोर चेन्नई या बारिश, इस मैच में कौन बाजी मारेगा? आइए देखते हैं, मजा आएगा। Let's find out in today's video because today is the most awaited match of this entire season, people, and that is Bangalore versus Chennai. अब बात करते हैं बैंगलोर की, जिसके पॉइंट्स टेबल पर हैं 12 पॉइंट्स, और अगर नेट रन रेट की बात करें तो इट इज 0.387, और सामने चेन्नई के पॉइंट्स टेबल पर है 14 पॉइंट्स और नेट रन रेट है 0.528। तो सिर्फ जीतने से काम नहीं चलेगा, बैंगलोर को चेन्नई को एक अच्छे मार्जिन से हराना पड़ेगा। इफ बैंगलोर बैट्स फर्स्ट तो दे विल हैव टू विन द मैच बाय एटलीस्ट 18 और मोर रन्स, और अगर उनकी बैटिंग सेकेंड आती है तो उनको 18.1 ओवर्स तक रन चेस कर लेने पड़ेंगे। बट अगेन, उनको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ भगवान के सपोर्ट की भी जरूरत है, क्योंकि उस दिन बारिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो मैच अबैंडन हो जाएगा और चेन्नई ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगी। तो क्या बैंगलोर सभी मुश्किलों और अड़चनों को पार करते हुए प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी? इफ यू थिंक बैंगलोर इस बार करेगी यार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई तो सिलेक्ट यस, बट इफ यू थिंक ऐसा होना बहुत मुश्किल है, सिलेक्ट नाउ। डू ऑर डाई सिचुएशन में तो चेन्नई हमेशा बाजी मारती है। बैंगलोर के स्टार बैटर विल जैक्स, जो कि पिछले 5 मैचों से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अलॉन्ग विद देयर बॉलर रीस टॉपली वापस जा चुके हैं इंग्लैंड वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। तो अब अगर बैंगलोर को मैच जीतना है तो विराट कोहली विल हैव टू स्टेप अप। एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ, विराट कोहली जब भी 18 मई को मैच खेलते हैं उनका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा दिखता है, 56 for 29 वर्सेस चेन्नई, 27 for 29 वर्सेस चेन्नई, 113 for 50 वर्सेस पंजाब एंड 100 for 63 वर्सेस हैदराबाद। तो बेसिकली जो 4 मैचेस आज तक उन्होंने 18 मई को खेले उसमें से 3 में उन्होंने 50s मारी है, तो आज भी 18 मई है। आज क्या लगता है आपको, क्या आज भी विराट कोहली 50 or more than 50 इस मैच में स्कोर कर पाएंगे? इफ यू थिंक डेफिनेटली करेंगे, प्लेऑफ्स की भी बात है यहाँ पर तो सिलेक्ट यस, बट इफ यू थिंक इतने प्रेशर में नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, सिलेक्ट नाउ। जर्सी नंबर 18 और तारीख भी 18 में, आज तो जादू होने वाला है। अगर बैंगलोर के पास विराट कोहली है तो चेन्नई के पास है ऋतुराज गायकवाड़, जिनका परफॉर्मेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट बैंगलोर के सामने इतना अच्छा नहीं रहा है। 7 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 199 रन बनाए हैं विद जस्ट 150, लेकिन ये मौका बहुत बड़ा है विराट कोहली को ट्रॉफी और ऑरेंज कैप दोनों से दूर करने का। So what do you think, क्या ऋतुराज इस मैच में स्टेप अप करेंगे, 50 or more than 50 स्कोर करेंगे? If you think ऋतुराज will definitely score 50 or more than 50 in this particular match, select yes. But if you think विराट कोहली के सामने नहीं कर पाएंगे, select no. अगर ऋतुराज जल्दी आउट नहीं हुए तो बैंगलोर डेफिनेटली प्लेऑफ से आउट हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फेवरेट सेगमेंट ऑफ द शो एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट पावर प्लेयर। पावर प्लेयर वी बिलीव इन दिस पर्टिकुलर मैच हैज टू बी शिवम दुबे, इज एन एक्स बैंगलोरियन, और हम सबको पता है बैंगलोर के प्लेयर जब बैंगलोर छोड़ के कहीं और जाते हैं तो कैसा परफॉर्म करते हैं। बैंगलोर के सामने आज तक शिवम ने 4 मैचेस खेले हैं, 227 रन बनाए हैं, 250s एवरेज रही है 113 की और स्ट्राइक रेट 170। तो शिवम दुबे की परफॉर्मेंस आज देखने लायक होगी। अब ये तो थी हमारी क्रिकेट इनसाइड, एंड इफ यू थिंक योर क्रिकेट इनसाइड इज आल्सो वेरी पावरफुल एंड दैट यू नो क्रिकेट इन एंड आउट, तो अपनी क्रिकेट की नॉलेज को ऐसे ही मत वेस्ट करो, जाओ और एफपीएल ओपिनियन पे टेस्ट करो।